नमस्ते, मैं मेगा न्यूज मूवमेंट हिंदी में आपका फिर से आज की सुर्खियां खबर। बंगाल के दत्तपुर में अवैध पटाखा इकाई में विस्फोटक के मामले में एक गिरफ्तार, मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। कोटा में परीक्षा देने के कुछ घंटों बाद 2 छात्रों की आत्महत्या से मौत, इस साल 24 मौतें। जामुड़िया में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अग्निमित्रा पाल ने विरोध स्वरूप सड़क जाम कर मछली पकड़ी। पश्चिम बंगाल दिवस को लेकर सितंबर की शुरुआत में प्रस्ताव लाएगी बंगाल। आसनसोल में बुखार के साथ डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पीड़ित पुलिस कांस्टेबल समेत 7 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। आसनसोल से सीताराम के अनुसार पश्चिम बर्धमान जिले के MC सहित औद्योगिक क्षेत्रों में बुखार की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। डेंगू उनका सितम जारी रखे हुए हैं। इसी बीच आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र के बंटपुर और जमोरिया निवासी 2 महिलाओं की डेंगू से फिर मौत हो गई। मृतकों में भाजपा के आसनसोल संगठनात्मक जिला अध्यक्ष बप्पा चट्टोपाध्याय की मां भी शामिल है। इसके साथ ही पिछले 10 दिनों में आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में डेंगू संक्रमण से कुल 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं बताया गया कि है कि आसनसोल जिला अस्पताल में रविवार दोपहर तक 7 लोग डेंगू से पीड़ित भर्ती हैं। उनमें से एक राज्य पुलिस के आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय में कार्यरत एक कांस्टेबल है। जिला अस्पताल सूत्रों के अनुसार इसके अलावा रविवार दोपहर तक 150 से अधिक मरीज बुखार के कारण विभिन्न वार्डों में भर्ती हैं। संयोग व शनिवार की सुबह आसनसोल जिला अस्पताल के CCU में भर्ती एक महिला की डेंगू से मौत हो गई। मृत महिला का नाम बुधनी हांसदा, उम्र 37 है, जो नंदी गांव वार्ड नंबर 1 जामुड़िया आसनसोल पुन्नीगाम की रहने वाली थी। वह इलाके में एक ईंट भट्टे पर काम करती थी। 20 अगस्त को इस महिला को बीमार हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में खून की जांच में उन्हें डेंगू होने का पता चला। उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें CCU में शिफ्ट किया गया था। वहां शनिवार को उनकी मौत हो गई। MC के स्वास्थ्य विभाग के मेयर देवेंद्र भगत ने कहा कि दोनों मामलों के पुनर्निगम द्वारा उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही पूरे क्षेत्र में डेंगू से लड़ने के लिए निगम की 900 से ज़्यादा टीमें काम कर रही है। कहीं भी पानी जमा ना हो इसे देखने के अलावा टीम के सदस्य अन्य चीज़ों के प्रति भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टेप इन रेनबो ड्रेसेस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ किड्स वियर, बस्तीन बाजार मोड़, GT रोड, आसनसोल। रेनबो बिग शॉप, ऑल वेराइटीज ऑफ लेडीज वेयर, मेन्स वेयर एंड सूट पीसेस आर ऑल्सो अवेलेबल। बस्तीन बाजार, GD रोड, आसनसोल। कॉन्टेक्ट नंबर 03412221590। रेनबो बिग शॉप। पारबेलिया कोयला मजदूर कांग्रेस की ओर से रविवार को पारबेलिया कोलियरी स्थित इशियल गेस्ट हाउस में त्रिस्तरीय चुनाव में नव निर्वाचित नितुड़िया पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला परिषद के 2 निर्वाचित सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, साल तोड़ पंचायत प्रधान, उप प्रधान एवं पंचायत सहित सदस्य आदि की सम्मानित किया गया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVSPSJ द्वारा। साकतोलिया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के अनुसार पारबेलिया कोयला मजदूर कांग्रेस की ओर से रविवार को पारबेलिया कोलियरी स्थित इशियल गेस्ट हाउस में त्रिस्तरीय चुनाव में नव निर्वाचित नितुड़िया पंचायत अध्यक्ष शांति भूषण प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष, जिला परिषद के 2 निर्वाचित सदस्य, पंचायत समिति सदस्य गिरीश केश भगत, बबीता बावरी पासवान, सालतोड़ पंचायत प्रधान अंजू देवी, उप प्रधान रूना बावरी एवं पंचायत सदस्य राध्या श्याम साव आदि को सम्मानित किया गया। सभा में कोयला मजदूर कांग्रेस की ओर से महामंत्री RK त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष बोध नारायण सिंह, दीन बंधु सिंह, अपराजित बनर्जी, रामा यादव, कुलदीप मातो सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आइए सुनते हैं शशि भूषण यादव क्या कहते हैं। करने क्या रेल, क्या सेल, क्या
देखिएगा कि जब से आप ले रहे हैं तब से चार्ज करके आपसे पैसा वसूल कर, पैसा सरकार को रखिएगा, आपको चिंतन करना है ना। आने वाला दिन में हमारे जो दीदी ममता बनर्जी जो इंडिया बनाई है, जो क्रिकेट दल को लेकर एक टीम बनाया गया है कि हम लोग इस पर बीजेपी को क्रॉस करके हम लोग देखना चाहते हैं ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में, ये आपको चिंतन करना है प्रत्येक व्यक्ति को। हम चिंतन करेंगे, हमारे परिवार को चिंतन कराएंगे और साथ ही साथ हम लोग मैंने बंधु बांधव को हम लोग चिंतन कराएंगे। है कि आने वाला समय यदि देश को बचाना है तो इस सरकार को जो केंद्र मोदी जी की सरकार बिल्कुल मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि फाइनल खिलाफ जो होगा जिस तरह आप सेमीफाइनल में हम लोगों को सहयोग दिया, फाइनल में भी आप लोग तृणमूल कांग्रेस का इसी तरह से सहयोग करिएगा। आपके इस सहयोग के लिए हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट फर्स्ट फ्लोर आसनसोल 713301। प्रोडक्ट्स आर बायोटिक गार्नियर एवर यूथ निविया सहनाज मैमथ ओ3 प्रोफेशनल लोटस प्रोफेशनल पतंजलि जॉबिस नेचर्स मेंस ग्लो प्लम एम कैफिन वीएलसीसी गुड वाइब्स ओला फेम ऑर्गेनिक राजा सुगर लैक्मे वेबलिन लोटस कलर पॉन्ड्स सिल्क मैट्रिक्स लोरियल बेला एटसेट्रा। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9126767709। एक्सप्रेस ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिलव्यू हॉस्पिटल द्वारा। आसनसोल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने प्रायोगिक आधार पर पूर्व मध्य रेलवे नेटवर्क पर 12987 या 12988 सियालदा अजमेर सियालदा एक्सप्रेस को हाजी बाग रोड स्टेशन पर और 12379 सियालदा अमृतसर जालियावाला बाग एक्सप्रेस को कोडरमा स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया है। 12987 सियालदा अजमेर एक्सप्रेस और 12988 अजमेर सियालदा एक्सप्रेस 24 अगस्त 2023 को से होने वाली दोनों की यात्राएं क्रमशः 4:13 बजे और 9:35 बजे हजारीबाग रोड स्टेशन पहुंचेगी और 2 मिनट के लिए हजारीबाग रोड स्टेशन पर रुकेंगी। 12379 सियालदा अमृतसर जलियावाला बाग एक्सप्रेस 25 अगस्त 2023 को से होने वाली यात्रा 6:32 बजे कोडरमा स्टेशन पहुंचेगी और कोडरमा स्टेशन पर 2 मिनट के लिए रुकेगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप जीटी रोड आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন কালার বার সুগার ল্যাকমি প্লাম লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। আওয়ার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 9563402888 and 8918940868। शिप्रा एक्सप्रेस से 2 AC 3 Tier इकोनॉमिक कोचों की बढ़ोतरी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है मोशन द्वारा। आसनसोल यात्रियों को बेहतर सुविधा के लिए रेलवे ने 22911 या 22912 इंदौर हावड़ा इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस में 17 सितंबर 2023 से इंदौर से और 19 सितंबर 2023 से हावड़ा से खुलने वाली 2 AC 3 Tier इकोनॉमिक कोच बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा इंदौर से 2 सितंबर 2023 से 14 सितंबर 2023 तक और हावड़ा से 4 सितंबर 2023 से 16 सितंबर 2023 तक खुलने वाली शिप्रा एक्सप्रेस के साथ एक पेंट्री कार भी जोड़ी जाएगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल।
100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। कर्नाटक के कोलार में फोन पर समय बिताने पर पिता ने बेटी की हत्या कर दी। समाचार का यह भाग प्रायोजित एजुकेशनल हब द्वारा। उसकी बात ना सुनने और लंबे समय तक सेलफोन में से चिपके रहने से नाराज होकर पिता ने 24 अगस्त को कोलार ग्रामीण पुलिस सीमा के अंतर्गत ठोटली गांव में अपनी बेटी की हत्या कर दी। बाद में उसने अपने भाई की मदद से उसके शव को अपने खेत में दफना दिया। घटना का खुलासा रविवार को हुआ। पुलिस अधीक्षक एम नारायण ने कहा कि मृतक की पहचान राम्या उमर 19 के रूप में की गई है। उसने अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी और कोलार के औद्योगिक केंद्र में एक निजी कारखाने में काम कर रही थी। जाँच के दौरान यह पता चला कि राम्या अपने ऑटो चालक पिता वेंकटेश गौरा की कभी नहीं सुनती थी और हमेशा अपने सेलफोन पर व्यस्त रहती थी। कथित तौर पर गौरा ने उसे कई बार चेतावनी दी थी और दोनों के बीच इस पर बहस होती थी। वह एक सप्ताह से काम पर नहीं गई थी और 24 अगस्त गुरुवार की रात को दोनों में फिर झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर गौरा ने उसे मारा और उसकी मौत हो गई। गौरा ने अपने भाई मोहन और एक अन्य आरोपी चौड़े गौरा की मदद से राम्या के शव को शुक्रवार सुबह अपने खेत में दफना दिया। पुलिस ने रविवार सुबह वेंकटेश को गिरफ्तार कर लिया। शव को कब्र से बाहर निकाला गया और शव परीक्षण कराया गया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Unlimited Society, affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. नीरज चोपड़ा ने जीता स्वर्ण, रिले धावक पांचवें स्थान पर रहे। पारुल चौधरी ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। समाचार का यह भाग प्रायोजित एसके इन्फोकॉम द्वारा। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने रविवार को एक बार फिर इतिहास रचा जब वह पुरुषों की भाला फेंक फाइनल में 88.17 मीटर के बड़े थ्रो के साथ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। एक और पहली बार तीन भारतीय शीर्ष आठ में रहे। किशोर जेना 84.77 मीटर और दीपू मनु 84.14 मीटर क्रमशः पांचवें और छठे स्थान पर है। इससे पहले कभी भी विश्व चैंपियनशिप में तीन भारतीय किसी स्पर्धा के शीर्ष आठ में नहीं रहे थे। मोहम्मद अंस याहिया, अमोद जैकब, मोहम्मद अजमल वारिया थोड़ी और राकेश रमेश की चौकरी पुरुषों की 4x400 मीटर रिले दौड़ में पांचवें स्थान पर रही। इस बीच पारुल चौधरी महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल में 9 मिनट और 15.32 सेकंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ 12वें स्थान पर रही। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल, मोबाइल नंबर 9635640012। पश्चिम बंगाल दिवस को लेकर सितंबर की शुरुआत में प्रस्ताव लाएगी बंगाल सरकार। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। कोलकाता से इशरार अहमद के अनुसार पश्चिम बंगाल दिवस पोइला वैशाख को मनाने पर सहमति बनाने और उसे कानूनी जामा पहनाने के लिए सितंबर महीने के पहले सप्ताह में राज्य सरकार प्रस्ताव लाने जा रहा है। सूत्रों उन्होंने बताया कि 4 सितंबर को विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल दिवस मनाने के लिए एक सर्वदलीय बैठक पहले ही बुलाई जा चुकी है। 29 अगस्त को
नवान्न असेंबली हॉल में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा सूत्रों के मुताबिक 4 सितंबर को जब पश्चिम बंगाल दिवस का प्रस्ताव लाया जाएगा, उसी दिन राज्य गीत के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक राज्य में विपक्षी राजनीतिक दलों से मंगलवार 29 अगस्त को पश्चिम बंगाल दिवस मनाने के बारे में पूछा जाएगा। हालांकि तृणमूल सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मामले पर लंबी चर्चा के लिए तैयार नहीं है। राज्य सरकार 4 सितंबर को राज्य विधानसभा में पश्चिम बंगाल दिवस पर औपचारिक मुहर लगाना चाहती है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। BNM कोचिंग सेंटर कैंटिंग पारा श्यामबाट बनपुर अपियर फ्रॉम बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन पटना स्वामी विवेकानंद सुप्रभात यूनिवर्सिटी मैरिट UP मैट्रिक एंड HS 9732022768 एंड 9732024247। जामुरिया के भाजपा कर्ताओं के साथ अग्नि मित्रा पाल ने विरोध स्वरूप सड़क जाम कर मछली पकड़ी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। जामुरिया से शुभ्ल सिंह के अनुसार आसनसोल जामुरिया बाजार इलाके से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 को जोड़ने वाली सड़क बेहद खराब है। थोड़ी सी बारिश होने पर भी कहीं कहीं घुटने तक पानी लग जाता है। बार बार अनुरोध के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं होने पर जामुरिया के भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविवार को कुयो मोड़ इलाके में करीब 1.5 घंटे तक सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक अग्नि मित्रा पाल विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए क्षेत्र में पहुंची। उनके नेतृत्व में BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम पानी में तौलियां फेंक कर मछली पकड़ने की कोशिश की। स्थानीय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह महत्वपूर्ण सड़क जामुरिया को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 से जोड़ती है। प्रदर्शनकारियों की दावा है कि गड्ढों की मौजूदा हालत ऐसी है कि सड़क के कई हिस्से छोटे छोटे जल स्रोतों के रूप में ले चुके हैं। पूरे मामले पर विधायक अग्नि मित्रा पॉल ने चुटकी ली। उन्होंने इस सड़क के तत्काल नवीनीकरण की मांग की और कहा कि जामुरिया विधायक का कार्यालय इस क्षेत्र से कुछ 100 मीटर की दूरी पर है और इसी इलाके में आसनसोल के बोरो चेयरमैन का घर है। इसके बाद भी सड़क की मरम्मत या जीर्णोद्धार नहीं किया गया। BJP विधायक ने यह भी दावा किया कि अगर उस 10 दिन के अंदर सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने व्यंग्य के लहजे में कहा, यहाँ रुके हुए पानी से 2 मछलियाँ मिली। बड़ी मछली का नाम हरे राम सिंह जामुरिया से विधायक और छोटी मछली का नाम शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से सांसद है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मूवमेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश मैथ्स आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस क्लास 5 to 12 कॉन्टैक्ट CK Barnwal 9832239361 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758 बुद्धा हाजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। कोटा में परीक्षा देने के कुछ घंटों बाद 2 छात्रों की आत्महत्या से मौत, इस साल 24 मौतें। सीनियर रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार रविवार को राजस्थान के कोटा में 2 NET उम्मीदवारों की आत्महत्या से मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान आविष्कार काशले और आदर्श राज के रूप में हुई है। दोनों छात्रों ने यह कदम उठाने से अब पहले एक परीक्षा दी थी। गौरतलब है कि इस साल कोटा में 24 छात्रों की आत्महत्या से मौत हो चुकी है। छात्रा की पहचान 18 वर्ष आविष्कार संभाजी काशले और दूसरे वर्ष के छात्र आदर्श राज के रूप में की गई। विवरण के अनुसार आविष्कार ने परीक्षा लिखने के कुछ मिनट बाद लगभग 3:15 कोचिंग संस्थान की 6th मंजिल से छलांग लगा दी। कुछ घंटों बाद बिहार के मूल निवासी आदर्श राज, जिन्होंने परीक्षा भी दी थी, ने शाम लगभग 7 बजे अपने किराए के फ्लैट में फांसी लगा ली। ऐसा माना जाता है कि उसे परीक्षा में कम अंक मिलने का डर था और इसलिए उसने यह कदम उठाया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कोचिंग फॉर मेडिकल नेट एम्स एंट्रेंस एग्जाम बाय DK Lal सर जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता कॉल नाउ 9832824975 व्हाट टू बी डॉक्टर होल्ड द हैंड्स ऑफ एन एक्सपर्ट रेगुलर क्लासेस 11-12 ऋषि अरविंद नगर बिरला रोड कुलटी पश्चिम बर्धवान वेस्ट बंगाल। बंगाल के दत्तपुकुर में अवैध पटाखा इकाई में विस्फोटक के मामले में एक गिरफ्तार, मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक अवैध पटाखा इलाके इकाई में विस्फोटक के सिलसिले में रविवार को एक व्यक्ति
को गिरफ्तार किया गया, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बारासात के दत्तपुर स्थित घर में पटाखा उत्पादन के लिए कच्चा माल अवैध रूप से संग्रहित किया गया था। घटना में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। एक शफीकुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को द इंडियन एक्सप्रेस को बताया। पुलिस के सूत्रों ने कहा कि शफीकुल केरामत अली का सहयोगी था, जिसे घर किराए पर दिया गया था। उसे रविवार देर रात नीलगंज इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों ने कहा कि केरामत के 21 वर्ष बेटे रबीउल अली की भी विस्फोटक में मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक शफीकुल केरामत के अवैध पटाखा कारोबार में भागीदार था। अधिकारियों ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 समान इरादे के आगे बढ़ने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य के अलावा पश्चिम बंगाल अग्निशमन सेवा अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड YouTube चैनल न्यूज मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830। अब अंत में समय है मोमेंट के SMS का। सम ऑफ द मोस्ट जीनियस पीपल हैव नो मनी, सम ऑफ द विशेष पीपल हैव नो एडुकेशन, सम ऑफ द काइंडेस्ट पीपल वेयर हर्ट द मोस्ट। कुछ सबसे उदार लोगों के पास पैसा नहीं है, कुछ सबसे बुद्धिमान लोगों के पास कोई शिक्षा नहीं है, कुछ दयालु लोगों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।